नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इजी केस पॉइंट का ऑफिशियल चैनल। इजी केस पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एपीएस संचालक को बेरोजगार किए जा रहे हैं एनपीसीआई की तरफ से, उसी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और एपीएस संचालक को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो आपको हारना नहीं है, लड़ना है। जी हां, अभी एपीएस संचालक के ऊपर संकट तो जरूर है, क्योंकि एपीएस आईडी 50% बंद कर दिए गए हैं एनपीसीआई के तरफ से। हालांकि ये रूल बिल्कुल ही गलत है, मैं इसी के ऊपर आज के इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं। यदि आप कहीं से भी वीडियो, किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हैं, तो एपीएस संचालक हैं, आधार से निकासी का काम करते हैं। यदि आपका आईडी ब्लॉक हो गया है या फिर जल्द ही ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि एनपीसीआई का यह जो रूल है यह बिल्कुल ही गलत है। मैं अपना व्यक्तिगत विचार आपके साथ पेश करना चाहता हूं कि एनपीसीआई को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि एपीएस पर 50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है एपीएस आने से। एपीएस होता क्या है? एपीएस आधार भुगतान प्रणाली है, जो आधार बेस भुगतान प्रणाली है। लोगों को बैंकिंग सर्विस, दूर दराज के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। रिटेलर को बेरोजगार 50 लाख से अधिक रिटेलर अब तक एक्टिव जुड़ चुके हैं पूरे भारतवर्ष, लेकिन उन लोगों को बेरोजगार करने के लिए पूरी तरह से कोशिश 2024 में हम कह सकते हैं एनपीसीआई की तरफ से किया जा रहा है गलत रूल के माध्यम से। या हम अपने व्यक्तिगत विचार पेश करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गलत सही जो लगे आप अपने कॉमेंट में नीचे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। एपीएस संचालक का आईडी ब्लॉक करने की क्या जरूरत है आप बताइए हमें, क्योंकि एरिया पिन कोड हाल ही में आपने सुना होगा 2023 लास्ट में एरिया पिन कोड 250 प्लस पिन कोड को ब्लॉक कर दिए गए हैं, जहां पर नए आईडी नहीं बनेंगे। तो आप हमें यह चीज समझाइए कि क्या जिस पिन कोड, एरिया पिन कोड में अगर एक रिटेलर ने कोई गलती किया, उसके वजह से हजारों हजार रिटेलर की आईडी बंद करने की क्या आवश्यकता है एनपीसीआई को? उसके ऊपर आपको रूल कुछ फॉलो करने लगाने चाहिए, ना कि उस एरिया में एपीएस चलेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एनपीसीआई ने यह लोगों को रोजगार छीन लिया है एक तरह से कहें तो। एनपीसीआई को एक सलाह हम अपनी ओर से देना चाहते हैं कि ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एपीएस पर रिटेलर काम करके एक रोजगार मिला है लोगों को, जो पिछले 6-7 वर्षों में लोग एपीएस के माध्यम से अपनी रोजगार कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीनने का काम बिल्कुल भी ना करें। आप बताइए, आप जामतारा का नाम सुना होगा आपने, झारखंड में फेमस है साइबर क्राइम के मामले में, मतलब साइबर बहुत ही ज्यादा जामतारा में होता है। वहां पर बैंकिंग सर्विस नहीं देते हैं क्या? बैंक वहां पे नहीं है क्या? वहां के लोगों को बैंकिंग सर्विस लेने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर 10,000 लोग वहां पे रहने वाले हैं, अगर एक लोगों की गलती के वजह से उन 9,999 लोगों को बैंकिंग सर्विस आप नहीं देंगे, ये कहां तक सही है आप ही बताइए। सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि एक लोगों की वजह से हजारों हजार लोगों का रोजगार को मत छीनिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ रूल लागू करिए। जहां पर ब्लैकलिस्टेड पिन कोड आप कहना चाह रहे हैं, वहां के भी लोगों को बैंकिंग सर्विस, एपीएस सर्विस बिल्कुल दीजिए। लेकिन आप वहां पर जब रिटेलर क्रिएट करवाते हैं अपने बीसी से, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से, उनको सलाह दीजिए कि उनके पास डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरीफाई करें, या फिर डॉक्यूमेंट और भी कुछ अधिक बढ़ाइए। आप बहुत ही इजी वे में रिटेलर को आईडी दे देते हैं, तो वो चीज ना करके आप डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करिए, कुछ अधिक डॉक्यूमेंट लीजिए। लेकिन वहां के लोगों को भी आप रिटेलर आईडी ब्लॉक नहीं करके, बल्कि रीएक्टिवेट आपको करना चाहिए। और वहां पर जो ब्लैकलिस्टेड पिन कोड आप बता रहे कि वहां पे बैंकिंग सर्विस हमारा एपीएस का नहीं चलेगा, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वहां के लोगों को भी एपीएस रोजगार मिला है, और वहां के ग्रामीणों को भी बैंकिंग आधार विड्रॉल भुगतान प्रणाली से सुविधा मिला है। इस सुविधा को हाथ से बिल्कुल भी ना छीने, और वहां के लोगों को भी आईडी एक्टिव करें। जल्द से जल्द आपको रूल बदलना होगा, जो आपने एनपीसीआई ने एक नया अपडेट जो किया है कि ब्लैकलिस्टेड पिन कोड
में हम रिटेलर ऑनबोर्ड नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जामतारा जैसे शहर में जो कि पूरे इंडिया में हर कोने में लोग जानते हैं, क्या वहां के लोगों को बैंकिंग सर्विस नहीं देता है? क्या आरबीआई ने बैंक वहां का बंद कर दिया है? क्या वहां के लोगों को बैंकिंग सर्विस अकाउंट ओपन नहीं होते हैं, बैंकिंग सर्विस का लाभ नहीं लेते हैं? लेते हैं। आरबीआई ने ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं किया, नहीं किया। लेकिन एईपीएस पर एनपीसीआई को ऐसा कौन सा आफत आ पड़ा? अगर आ पड़ा तो ये आपकी गलती है। ऑनबोर्डिंग इजी प्रोसेस में क्यों होता है? ये बीसी के ऊपर आप अलग अलग तरह से मतलब बहुत इजी वे में आप ऑनबोर्डिंग करा के बाद में जब बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ जाते हैं तो वैसे में उस एरिया का आप एईपीएस सर्विस को ही बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, जो कि आपको दोबारा चालू करने चाहिए। ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस को करा करिए, और भी कुछ नियम लागू करिए, वीडियो केवाईसी लीजिए, जीएसटी नंबर लीजिए, दुकान का सर्टिफिकेट लीजिए। तो जो भी कुछ आप कर सकते हैं वो अपने इंड से करिए, लेकिन वहां के लोगों को ऑनबोर्डिंग के लिए बिल्कुल भी मत रोकिए, उन लोगों का रोजगार को मत छीनिए। बस इतना हमारा विनती है। एनपीसीआई के सदस्य मेंबर अगर कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द 2024 के अंदर ही ये बदलाव करके ब्लैकलिस्टेड पिन कोड में भी आईडी देना चालू करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल आसानी से ऑनबोर्डिंग कर दीजिए, उसके ऊपर कागजात लीजिए। रिटेलर से ऑनबोर्डिंग के लिए आप डॉक्यूमेंट जो भी कुछ मांगना चाहते हैं वो चीज लीजिए, थोड़ा करे नियम से करिए। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के थ्रू आप फिजिकल वेरीफाई करवाइए रिटेलर का, तो फिर आप चालू करिए, लेकिन लोगों का बिजनेस को इस तरह से खत्म मत करिए। इस वीडियो के साथ सिर्फ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एईपीएस संचालक मत घबराना, जो लड़ा नहीं तो वो हारा नहीं।